हेलो एवरीवन, माय नेम इज स्वराज एंड आज एक हम नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो रिसेंटली न्यूज़ में था। एंड इसका जो कॉन्टेक्स्ट है, इट इज़ अ वेरी मच वाइडर डिबेटेबल टॉपिक टुडे एंड बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम दिस पैंडेमिक पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि ये टाइम पे इकोनॉमी इतनी हमारी लो है कि कुछ इकोनॉमिस्ट बोलते हैं दैट इट विल टेक अराउंड 6 to 8 months टू रिकवर फ्रॉम दिस काइंड ऑफ बैकलैश। सो बेसिकली वी हैव हर्ड इन न्यूज दैट द फॉरेक्स रिजर्व ऑफ इंडिया इज राइजिंग। सो ये लेक्चर में हम लोग पूरे फॉरेक्स रिजर्व के बारे में देखेंगे कि कितना राइज हो रहा है, 1990s में कितना था, आज के तारीख में कितना है, कि फॉरेक्स रिजर्व हम किसे बोलते हैं, ये कौन मेंटेन करता है, इसके रीजंस क्या है बढ़ने के, ठीक है, एंड रिजर्व बैंक इसको कहाँ रखता है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम वी विल स्टार्ट। सो देयर इज अ So there is a case that there is a rising rising forex reserve. So it is estimated that we will cross the benchmark of $500 billion soon. In May, the forex reserves jumped by 12.4 billion. That is to the all-time high of $493 billion. Actually, it is an increment of 8,400%. Because in 1991, वो था 5.8 बिलियन बट वो आज है अराउंड 493 बिलियन। तो यहाँ पे जो इंक्रीमेंट है इट इज अराउंड 8,400% इंक्रीमेंट हुआ है। सो व्हाट इज फॉरेक्स रिजर्व? फॉरेक्स रिजर्व्स आर द एक्सटर्नल एसेट्स इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स SDRs एंड फॉरेन करेंसी। फॉरेन करेंसी जो आपकी आ सकती है कैपिटल मार्केट में थ्रू FDI, एक्सटर्नल बोरोइंग, ठीक है। तो ये जो कलेक्शन है इट इज कलेक्टेड बाय इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बट इट इज कंट्रोल्ड, इट इज मेंटेन्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अंडर रिजर्व बैंक ऑफ एक्ट 1934। व्हाई दीज आर इंपॉर्टेंट? दीज आर इंपॉर्टेंट फॉर सपोर्टिंग एंड मेंटेनिंग द कॉन्फिडेंस इन द इकोनॉमी, ठीक है। इंडियन इकोनॉमी में लोगों को कॉन्फिडेंस होगा, ठीक है, एंड टू सपोर्ट या टू इंक्रीज द पोजिशन ऑफ रूपी, इंक्रीमेंट द पोजिशन ऑफ रूपी विद रिस्पेक्ट टू डॉलर, तो एक्सचेंज रेट भी हमारा बढ़ जाएगा, क्योंकि हमने देखा था कि रूपी डेप्रिशिएट हो रहा था विद रिस्पेक्ट टू, तो अभी ये अप्रिशिएट हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? डॉलर। जो एक्सटर्नल वल्नरेबिलिटी है वो भी यहाँ पे क्या होगी, मेंटेन हो जाएगी। अगर कोई क्राइसिस आता है तो यही फॉरेक्स रिजर्व हम लोग यूज करके वो क्राइसिस को ओवरकम कर सकते हैं, ठीक है। तो बोरोइंग, अगर कोई बोरोइंग हम करते हैं, अगर नहीं मिलता है पैसा मार्केट में, हमारे पैसा नहीं आता है, तो हम लोग फॉरेक्स रिजर्व यूज कर सकते हैं। सो व्हाई इट हैज बीन रेजिंग डिस्पाइट स्लो डाउन इन द इकोनॉमी? बिकॉज इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन पोर्टफोलियोज इन इंडियन स्टॉक्स एंड FDI हैज बीन इंक्रीज, क्योंकि चाइना में बेसिकली बहुत सारा जो इन्वेस्टमेंट है वो रिवो करा है एंड पीपल आर ट्राइंग टू इन्वेस्ट मोर एंड मोर इन न्यू डिफरेंट कंट्रीज। तो इंडिया इज अ बिग सुटेबल एनवायरमेंट टूडे, हैविंग अ गुड पोजिशन वेर यू कैन इन्वेस्ट, क्योंकि देखना लेबर लॉस भी बेसिकली बहुत स्टेट्स ने सस्पेंड कर दिए, तो शायद से कंपनीज वो भी देखेंगे कि लेबर लॉस कहाँ पे स्ट्रिक्ट है, कहाँ पे फ्लेक्सिबल है। तो इंडिया भी बहुत सारा फ्लेक्सिबल कर रहा है, इसके वजह से ILO ने एक नोटिफिकेशन भी निकाला था, ऑर्डर निकाला था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, दैट चेक द इट शुड नॉट बी टू फ्लेक्सिबल कि वर्कर्स को प्रॉब्लम आ जाए। बाद में हमारा क्रूड ऑयल प्राइसेस फॉल हो गया था, बेसिकली लॉकडाउन के टाइम पे क्रूड ऑयल हमने इंपोर्ट नहीं किया था, तो उसके प्राइसेस भी फॉल हुए थे, तो इंपोर्ट जो थे, इंपोर्ट बिल विद रिस्पेक्ट टू क्रूड ऑयल, तो वो हमारे लिए बहुत प्लस पॉइंट था यहाँ पे, तो इसलिए वो पैसे वहाँ पे बच गए। बाद में ओवरसीज रेमिटेंस एंड फॉरेन ट्रैवल्स जो है हमारे वो कम हो गए, क्योंकि लॉकडाउन में हमने रेमिटेंस नहीं किया था, बाद में फॉरेन ट्रैवल्स नहीं हुए, तो वहाँ पे भी पैसा बच गया था हमारा। देन व्हाट इज द सिग्निफिकेंस? ठीक है, इट विल हेल्प गवर्नमेंट एंड RBI इन मैनेजिंग इंडियाज एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल फाइनेंशियल इशूज। ठीक है, हमारे फंडिंग के लिए आ सकते हैं, वो एक्सटर्नल फंडिंग हो सकता है या तो इंटरनल फंडिंग हो सकता है। इट कैन बी अ कुशन अगेंस्ट द क्राइसिस, ठीक है, कोई क्राइसिस आता है तो वी कैन यूज दैट फंड। अगर एक साल का इम्पोर्ट बिल हमारा पे कर सकता है, ठीक है, इट इज इनफ मनी दैट एक साल हम लोग इम्पोर्ट आराम से कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, इट विल हेल्प टू स्ट्रेंथन रूपी अगेंस्ट द डॉलर, तो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस जो है मार्केट का वो भी यहाँ पे बढ़ जाएगा। ठीक है, इट विल हेल्प गवर्नमेंट इन मीटिंग फॉरेन एक्सचेंज नीड्स एंड एक्सटर्नल डेप्थ ऑब्लिगेशंस। ठीक है, तुमको इतना मेंटेन करना है तो वो भी ऑब्लिगेशन हम लोग यहाँ पे अभी कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं।
देन मेंटेन अ रिजर्व ऑफ नेशनल नेशनल डिजास्टर और इमरजेंसी. ठीक है, इट इज अ काइंड ऑफ अ रिजर्व वेर वी कैन सॉल्व एनी काइंड ऑफ नेशनल डिजास्टर एंड इमरजेंसी. हमको किसी से पैसे लेने की जरूरत नहीं, अगर किसी ने डोनेट नहीं किया, कंट्रीब्यूट नहीं किया तो भी प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज वी हैव दैट मच ऑफ रिजर्व विद अस दैट वी कैन यूज इट. देन ये रिजर्व जो है ये कहाँ पे रखता है आरबीआई? तो अंडर एक्ट ऑफ 1934 आरबीआई कीप्स दिस रिजर्व इन डिफरेंट फॉरेन करेंसी एसेट्स एंड गोल्ड. तो मैक्सिमम जो 64% जो है इट इज केप्ड विद द ट्रेजर बिल्स ऑफ फॉरेन कंट्रीज मेनली इन यूएस. ठीक है, टी बिल्स. तो 64% जो है वो टी बिल्स है, किसके? यूएस के होते हैं बेसिकली मैक्सिमम. 28% जो है वो डिपॉजिट किए जाते हैं फॉरेन सेंट्रल बैंक्स में. 7.4% जो है इट इज डिपॉजिटेड इन कमर्शियल बैंक्स अब्रॉड एंड बाकी जो है इट इज हेल्ड इन गोल्ड. तो 653 टन का हमारे पास गोल्ड है एज ऑफ मार्च 2020, उसमें से 360 जो है ये गोल्ड बैंक ऑफ इंग्लैंड एंड बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट के पास है और बाकी जो रिमेनिंग गोल्ड है वो इंडिया में है. होप यू हैव अंडरस्टूड दिस सेशन. इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट बिलो. थैंक यू.